पब्लिक टीवी आपकी आवाज। व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए शनिवार की सुबह जिले के नोडल अधिकारी भुवनेश कुमार सरकारी अस्पताल पहुंच गए। पुरुष अस्पताल में ओपीडी इमरजेंसी कक्ष और वार्ड का मुआयना करने के बाद वे महिला अस्पताल पहुंच गए। मरीजों की संख्या कम देखकर रजिस्टर ले लिया और महिला ओपीडी में मरीजों से पूछताछ भी की। महिला अस्पताल की ओपीडी में किसी भी कक्ष के बाहर चिकित्सक का नाम नहीं लिखा था। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लखनपाल से पूछा कि कोई कैसे पहचानेगा कि आप डॉक्टर हैं, आपने अब तक कितने मरीज देख लिए। इन सभी सवालों का चिकित्सक के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण गौतम के कक्ष में पहुंचे। यहां उन्होंने एक एक कर सभी से परिचय लिया। फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन कक्ष देखने के बाद बाहर निकले तो रोगी सहायता केंद्र पर ताला लटका मिला। इस पर स्टाफ को फटकार भी लगाई। एसएनसीयू में बच्चों की संख्या कम देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। बोले, व्यवहार में सुधार होने से ही मरीज सरकारी अस्पताल आएंगे। मरीज तीमारदारों के बैठने की व्यवस्था पर भी उन्होंने जोर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर सत्य सिंह, पुरुष अस्पताल मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर ज्योत्सना उपाध्याय पंत, एसीएमओ डॉक्टर डीके प्रेमी, डॉक्टर रणवीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार, चीफ फार्मासिस्ट संदीप बड़ोला, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला पाठक, डॉक्टर विमिता अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक महेश कुमार आदि रहे। वाला कोई भी केयर नहीं करता। जो दिन में स्टाफ रहता है वो तो देखभाल करता है, लेकिन रात वाला कोई देखभाल नहीं करता। किसी ने नहीं सुनी रात वाले स्टाफ ने। किससे कंप्लेंट किया आपने? मैंने अंदर मैडम है उनसे कहा था। तो क्या बोली मैडम? बोले देख लेंगे और अकड़ अकड़ के पढ़ती है। नहीं, अब तेज बोलती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देख के बता दूंगी उन्हें। क्या कहा आपसे? बोले देख लेंगे, तुम्हें बहुत जल्दी है, तुम हर मिनट में आके खड़ी हो जाती हो, जब हमारा बच्चा परेशान है तो हम देखेंगे नहीं उसे। तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या परेशानी? उससे खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी, उसे ब्लड भी जाने जा रहा है। कितने दिन हो गए आपको? 10 तारीख को 10:30 बजे बैठी हुई है उसके। अच्छा, 12 तारीख हो गई है। आज रीति शर्मा लाइन पर, सूर्य नगर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णता शर्मा है। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहाँ पे जो लेबर रूम से संबंधित वार्ड हैं, ऑपरेशन थिएटर है, रजिस्ट्रेशन है, हेल्प डेस्क है, ओपीडी है, इन सभी गतिविधियों के बारे में यहाँ के लोगों से बातचीत की। जो रोगी भर्ती हैं उनसे भी पूछताछ की। कई सारी प्रशासनिक कमियाँ यहाँ पर नज़र आई हैं और इसीलिए जो यहाँ पे एडी हैं मेडिकल हेल्थ के अपर निदेशक, उनसे ही अनुरोध किया है कि अस्पताल का एक विस्तृत निरीक्षण करें और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट जो है विभाग के प्रमुख सचिव को भिजवाएं और जो कमियां मेरे समक्ष आई हैं उनकी रिपोर्ट मेरे द्वारा भेजी जाएगी। हाँ सर, सर न्यू ईयर पे भी यहाँ पार्टी बनाई जाएगी, नवजात शिशु रखे जाते हैं वहाँ, वायरल वॉस्ट में क्या कहेंगे सर आप? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो मैं जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच करवा लें। और सर, देख लेंगे रात में, रात में जो भी लेडीज आती है, मरीज आती है, उनको देखा नहीं जाता, क्या मामला है सर? ये क्यों नहीं देखा जाता सर? स्टाफ भी नहीं मिलता? पूछताछ की, जितने पेशेंट यहाँ भर्ती हैं उनमें से तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, एक शिकायत छोटी सी आई थी कि कंबल नहीं दिए गए उनको। मरीजों को भर्ती किए जाने के रजिस्टर चेक किए, उसमें कुछ कमियाँ मिली हैं और इसलिए एक विस्तृत निरीक्षण पूरे अस्पताल का, महिला चिकित्सालय का करने के लिए कहा है एडी साहब से और वो डिटेल रिपोर्ट अपनी जो है बना के भेजेंगे। एसएनसीयू के जो बाबू हैं, जो इंचार्ज हैं, वो 2 बजे के बाद ऑफिस में बैठते हैं, उससे पहले खुलते ही नहीं है, ताला आज भी लग रहा है। अगर कोई भी ऐसी शिकायतें हैं अगर वो मिल जाएँ तो उन सब पे जाँच करा के जो है सख्त कार्रवाई कराएंगे।